आज का एपिसोड बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त आयुर्वेदिक वनस्पति पे ये वीडियो कर रहा हूँ जो कि एक्चुअली एक खरपतवार है, लेकिन आयुर्वेद में इसकी बहुत ही प्रशंसा की गई है। इस खूबसूरत फूल को ध्यान से देखिए क्योंकि ये थोड़ी देर में, अभी दोपहर होने वाली है तो ये थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। और फिर अगर इस पौधे को देखें तो ऐसा ये इतना ज़बरदस्त बंद हो जाता है कि ऐसा लगता है जैसे कि इस पौधे को कभी फूल था ही नहीं। ये पौधा अभी अपने पूरी अवस्था में है, फलित अवस्था में है, क्योंकि इसको अभी फूल भी लगे हैं और फलियां भी लगी हुई है। इस पौधे को ऊपर ऊपर अगर देखा जाए तो ये पत्तियां जो लगी हैं इसमें तीन भाग होते हैं। ये देखिए, एक पॉइंट से ही ये पत्तियाँ निकलती हैं और इस तरह से एक पॉइंट से इसको ऐसे तीन पत्तियाँ निकली हैं, लेकिन बाकी के पौधे में अगर देखा जाए तो पांच पत्तियाँ होती है। ये नीचे देखिए तो आपको इस पत्ते में पांच भाग नज़र आएंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो एक ही पौधे में तीन और पांच पत्ते ऐसे नज़र आते हैं, जिस तरह से निर्गुंडी में भी ये फीचर पाया जाता है। ये इस पौधे में ये निर्गुंडी के साथ ये कॉमन फीचर है। इसके पत्ते जो हैं वो हाथ लगाने पर चिपचिपे जैसे होते हैं और ये क्लेओमे प्रजाति है जिसका ये पौधा है। ये क्लेओमे विस्कोसा है। इसके पत्ते अगर आप देखें तो थोड़े से लंबे होते हैं, जबकि इसमें दूसरी प्रजाति आती है क्लेओमे आइकोसैंड्रा, उसके पत्ते जो होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, गोल होते हैं, पवाड़ जैसे होते हैं। इन दोनों ही प्रजातियों के फूल जो है वो येल्लो रंग के होते हैं, जबकि इसमें एक वाइट प्रजाति भी आती है, उसे क्लेओ में ज्ञानेंड्रा कहते हैं, वो सफ़ेद उसे फूल लगते हैं। ये तीन प्रमुख प्रजातियां हैं इसकी जो आयुर्वेदिक इस्तेमाल में लाई जाती हैं। इसके अलावा भी क्लेओ में जो फैमिली है उसकी बहुत सारी दूसरी भी अलग अलग तरह के वैराइटीज़ हैं, लेकिन ज़्यादातर इन तीन प्रजातियों का आयुर्वेदिक इस्तेमाल किया जाता है। ये क्लेओ में विस्कोसा है। इसकी खास ये फीचर ये भी होता है कि इसकी फलियां ऊपर की तरफ ये होती हैं, बाकी जो प्रजातियां होती हैं उनकी फलियां या तो ऐसी होती है या तो नीचे की ओर होती है, ये भी इसका एक खास फीचर है। इतनी टेक्निकल और डिटेल में जानकारी आपको सिर्फ हेल्थ चैनल पर ही मिलेगी, ये मेरा दावा है। इस पौधे को पूरे पौधे में ही रोम होते हैं, छोटे छोटे, यानी कि छोटे छोटे बाल जैसे होते हैं, ये भी इसकी पहचान का एक खास फीचर है। और इसके पत्तों को मसलने पे एक तेज़ गंध आती है, इसीलिए इसे संस्कृत में अजगंधा भी कहा जाता है या फिर इसे उग्रगंधा भी कहा जाता है। इसके और दूसरे नाम हैं तिलपर्णी या तिलवर्ण या फिर भाटवर्ण, लेकिन इसका हिंदी नाम आप बताइए, क्या आप आपने इस पौधे को पहचाना है और आपके यहाँ पे इसे किस नाम से पहचानते हैं और आप इसके क्या उपयोग करते हैं, आप इसके क्या उपयोग जानते हैं, ये कमेंट करके प्लीज़ बताइए। इसे हिंदी में हुरहुर कहा जाता है या फिर हुलहुल कहा जाता है। आयुर्वेद में इसे तिक्त, कटु और उष्णवीर्य बताया गया है, और इसके अलावा इसे विषनाशक भी कहा गया है। इसके अलावा ये गुल्म को भी ख़त्म करने वाला का बताया गया है और ये कृमिनाशक भी बताया गया है। इसके अलावा इसे आयुर्वेद में दीपन यानी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाने वाला, भूख बढ़ाने वाला और पाचन बताया गया है। इन फलियों को अगर खोला जाए तो इनमें से ये सूख जाने पर ये ब्राउन हो जाती है, तब ये अपने आप चटक के खुल जाती है और इनमें से बहुत सारे बीज निकलते हैं जो कि सरसों जैसे होते हैं, सरसों से थोड़े से छोटे होते हैं और ये ब्राउन रंग के होते हैं। इसके बीज सरसों से थोड़े से छोटे होते हैं और सरसों के बीज की बॉर्डर जो होती है वो काफ़ी ईवन होती है, जबकि इसके बीज की बॉर्डर थोड़ी अनइवन होती है, ये भी इसके बीजों की पहचान है। मैंने इससे पहले भी काफ़ी बार ये लॉजिक समझाया है
कि मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जो भी वनस्पतियों के येलो फूल होते हैं वो हमेशा ही ऑलमोस्ट सब चर्म विकारों में बहुत ही अच्छा काम करते हैं। तो इसके साथ भी यही है, ये भी हर तरह के स्किन डिसीज़ में बहुत अच्छा काम करता है। अगर शरीर में कहीं पे गांठ हो गई है तो इसके पत्तों की पोल्टिस लगानी है वहाँ पे, तो कुछ ही दिन का ऐसा प्रयोग करने से गांठ अपने आप घुल जाती है। और इस वनस्पति का एक खास फीचर ये है, उपयोग ये है कि ये कर्ण रोगों में बहुत अच्छा काम करता है। तो किसी भी तरह का कान का अगर समस्या है, इसमें इसके पत्तों को तेल में जला लेना चाहिए और सिद्ध करके इस तरह से छान लेना चाहिए तेल को, और फिर अगर कान में तेल की एक एक दो दो बूंद डालते हैं तो हर तरह के कान के विकार दूर होते हैं। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि अगर इसके बीजों का आधे ग्राम को गुड़ में मिला लिया जाए और उसका सेवन कराया जाए तो पेट के जो कीड़े हैं वो मर जाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि इसके पत्ते की सब्जी बना करके भी खाई जाती है, उससे हर तरह के वात रोग दूर होते हैं। और उसके अलावा ऐसा करने से ये अयश में भी बहुत अच्छा काम करता है, ये भी कहा जाता है। कुछ लोग सरसों के बीज के जगह पे इसके बीजों का भी तड़के में इस्तेमाल किया करते हैं खाना बनाने में, ऐसा भी कहा जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने हेल्थ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। और याद रखिए, किसी भी वनस्पति का सेवन करने से पहले हमेशा आपके वैद्य का परामर्श ज़रूर ले लें, क्योंकि हर एक बॉडी अलग होती है, हर एक बॉडी के रोग और अवस्थाएँ अलग होती हैं। और ये वीडियो जानकारी के लिए है, इसे मेडिकल एडवाइस ना समझे। तो अगले एपिसोड तक विशाल साठे को दीजिए इजाज़त। बाय।